हेलो एवरीवन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेसन प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेफल में सो so, लेसन प्लानिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में सो बिगिन विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन प्लानिंग कि लेसन प्लानिंग कहते किसे है सो इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नाम से ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा इट्स ऑल अबाउट हाउ यू हाउ अ टीचर प्लान हिज लेसन कि वो पढ़ाने के लिए एक प्लान किस तरह तैयार करता है कि मैं मेरे पास इतना टाइम है और मैं इसको यूटिलाइज़ किस तरह करूँगा वाट आर द रिसोर्स आई हैव एंड वट आर द आउटकम्स आई वॉन्ट टू अचीव सो टीचर के माइंड में यह होता है कि वो इतना टाइम है इन स्पेसिफिक टाइम के अंदर स्टूडेंट्स को ये टॉपिक कवर करनी है सो so, किस तरह करें एक प्लानिंग के साथ जाता है टीचर प्रिपरेशन करता है उसको लेसन प्लानिंग कहा जाता है सो जर्नल आउटलाइन होता है टीचिंग गोल्स का और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का जो कि टीचर एकम्पलिश करना चाहता है एक क्लास के अंदर सो दिस प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट प्लानिंग चीज़ें इधर उधर हो जाती है देरस वाई लेसन प्लान करना प्रिपेयर करना एक माइंड सेट के साथ एक प्रिपरेशन के साथ क्लास में जाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट कि यू मस्ट स्टिक टू योर लेसन प्लान टीचर को ये हमेशा लेसन प्लान को ही फॉलो नहीं करता बिकॉज अनप्रडिक्टबल थिंग्स हैपन इन क्लास ठीक है उसके लिए भी टीचर को प्रिपेयर होना चाहिए कि पूरा उसके प्लानिंग के मुताबिक नहीं होगा चीज़ें थोड़ी इधर उधर होंगी अनप्रडिक्टेबल थिंग्स होंगे सो so उस मुताबिक टीचर को एकोमोडेट करना होता है बट प्रपेयर इन लेसन प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्रोशल टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स आपके लेसन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाना बहुत ही ज़रूरी है वो हम इम्पॉर्टेंस में देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग में कि क्या इंपॉर्टेंट है सो स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर लर्न फ्रॉम ईच अदर क्योंकि ये ट्रेडिशनल क्लास नहीं है मॉडर्न क्लास में जो है स्टूडेंट टीचर से सीखता है और टीचर स्टूडेंट से सीखता है सो अ सक्सेसफुल लेसन प्लान एड्रेस एंड इंटीग्रेट थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स एक सक्सेसफुल लेसन प्लान में तीन कंपोनेंट्स होने चाहिए और वो कौन से हैं पहला हमारे पास आता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देन लर्निंग एक्टिविटीज़ और तीसरे में आता है असेसमेंट टू चेक फॉर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है जो आप अचीव करना चाहते हैं एक्टिविटीज़ करवा देंगे एंड लास्ट में आप असेसमेंट कर लेंगे उनकी प्रोग्रेस को देखने के लिए सो so, यहाँ पे जो है एक लेसन प्लान दिया गया है सम की इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ की इवेंट्स होते हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं पहले आप क्लास में जाएंगे देन यू गेन द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स फिर इनफॉर्म द लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स फिर लेसन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आप बता देंगे स्टूडेंट्स को फिर स्टूडेंट्स की प्रायर नॉलेज चेक करेंगे कि उनको कितना आइडिया है इस टॉपिक का उनके माइंड सेट का कि क्या क्या चीज़ें उनको आती है ऑलरेडी और क्या क्या चीज़ें नहीं आती फिर आप पढ़ाएंगे अपने कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे उनको गाइड करेंगे प्रैक्टिस करवाएंगे असमेंट के थ्रू फिर फीडबैक प्रोवाइड करेंगे उनको उनकी बेहतरी के लिए इम्प्रोमेंट के लिए स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को फाइंड करने के लिए असमेंट के थ्रू फिर उनके परफॉर्मेंस को असेस करेंगे और लास्ट में रिटेंशन एंड ट्रांसफर टू द जो काइंड ऑफ रिविजन और इस तरह आपका जो है ऑब्जेक्टिव कम्प्लीट होगा दिस नाइन की इवेंट्स के थ्रू तो तीन स्टेजेस की हम बात करेंगे लेसन प्लान के पहला प्रेजेंटेशन दूसरा प्रैक्टिस एंड थर्ड वन इज द प्रोडक्शन प्रेजेंटेशन स्टेज में क्या होता है प्रेजेंटेशन स्टेज में आप जो है कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट के सामने इन ऑर्डर टू टीच आर स्टूडेंट समथिंग न्यू सो दे नीड टू बी फर्स्ट एबल टू परसिव एंड अंडरस्टैंड इट सो इसके स्टेप्स है स्टेप्स में पहले प्रिपरेशन करेंगे प्रिपेयर करेंगे मटेरियल या कंटेंट जो उनको पढ़ाना है मेक श्योर देट दे हैव फुल अटेंशन उनकी अटेंशन को ग्रैब करें और फिर प्रेजेंट करें इंफॉर्मेशन को कंटेंट को उनके सामने सो यू मस्ट बी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये कि यू मस्ट बी ब्रीफ रिलीवेंट और इलस्ट्रेशंस के थ्रू एग्जाम्पल्स के थ्रू डिमॉन्सट्रेट करे उनको समझा दे और फीडबैक ले लें और एग्जाम्पल समझते हैं लर्निंग अ डायलॉग एक एग्ज़ाम्पल है फॉर एग्ज़ाम्पल एक डायलॉग सिखाना है ठीक है सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है लर्निंग अ डायलॉग एक डायलॉग सीखना है सो एट द बिगनिंग ये होगा कि हम अचीव करें गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ द डायलॉग इन द टेक्स्ट बुक सो दैट इट कैन बी अल्टर या इलाबरेट किया जा सकता है आफ्टरवर्ड्स सो so, पहले रीड आउट करेंगे उस डायलॉग को अटर बाय अटरेंस फिर स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि वो रिपीट करे डिफरेंट फॉर्मेशंस uh, के थ्रू और उसको एक्ट आउट करे रोल पेयर्स में या रोल के फॉर्म में फिर स्विपिंग रोल्स करके सो इन दिस वे वो जो है इंकल्केट uh, होगा ये कॉन्सेप्ट उनके माइंड में ठीक है वो टुगेदर इज इन द फॉर्म ऑफ कॉरस भी कर सकते हैं पेयर्स में भी कर सकते हैं इंडिविजुअल भी कर सकते हैं सो हाफ ऑफ क्लास टेक वन रोल एन अनदर टेक द अदर रोल एंड वन स्टूडेंट टू द अदर स्टूडेंट पेयर्स के फॉर्म में स्वीपिंग रोल्स के फॉर्म में सो इन दिस वे दे केन अचीव देयर गोल दूसरा है प्रैक्टिस का स्टेज जिसमें आप जो है प्रैक्टिस करेंगे उस कॉन्टेंट को रिहर्सल कराएंगे सर्टेन बिहेवियर्स को विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसलिटेटिंग लर्निंग एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस स्टूडेंट से प्रैक्टिस करवाएंगे उनकी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए रिहर्सल करवाएंगे, गिविंग स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो प्रेजेंट करें लैंग्वेज को इन अ कंट्रोल फ्रेमवर्क के अंदर और वो मेमोराइज करे रिपीट करे ठीक है सो so, टीचर जो है एज अ काम करेगा असिस्टेंट के तौर पर स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा इन दिस एक्टिविटीज़ में टास्क में और वो कंडक्ट करवाएगा एज अ कंडक्टर उन टास्क को करेक्ट करवाएगा अगर कोई मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट एंड दिन सक्सेस ओरिएंटेशन एंड एक्यूरेसी आपकी टारगेट होनी चाहिए फिर इंटरेस्ट द एक्टिविटीज़ जो है टास्क है वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट के मुताबिक होनी चाहिए और जो है एक का पार्टिकुलर गोल अचीव होनी चाहिए उनमें जो आप करना चाहते हैं प्रैक्टिस विद रियलिस्टिक या कंटेक्चुलाइज फ्रेमवर्क के साथ एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ग्रामर एक्सरसाइज है सो टीचर राइट्स बोर्ड के ऊपर एक सेंटेंस लिखता है जो कि डिस्क्राइब करता है उस सिचुएशन को फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर लिखता है टॉम इज़ लुकिंग इन ऑल हीज़ पॉकेट्स बट ही कैन नॉट फाइंड हीज़ कीज़ सो ये एक लूज uh, सेंटेंस है हमारे पास

री इन्फोर्स करेगा रिवार्ड करके उसको इंकरेज करेगा सो इन दिस वे आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं थर्ड वन इज़ द प्रोडक्शन स्टेज प्रोडक्शन स्टेज में क्या होगा जिसमें आप स्टूडेंट्स को सिंथेसिस आपका जो है गोल होना चाहिए कि स्टूडेंट्स कुछ सिंथेसाइज करें कुछ प्रोड्यूस करें सो प्रोवाइड करेंगे अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स के लिए कि वो लैंग्वेज को यूज़ करते हुए क्रिएटिव वे में यूज़ करते हुए कुछ प्रोडक्टिव काम करे समथिंग प्रोड्यूस करे सिंथेसाइज़ करे फिर आप चेक करेंगे हाउ मच हेज़ एवरली बीन लर्न उन्होंने कितना सीखा इतना इंटीग्रेट किया उस लैंग्वेज को प्रैक्टिकल यूज़ में एंड प्रैक्टिस करेंगे डीलिंग विद द अनप्रडिक्टेबल थिंग्स फिर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना कि वो कोई री ना पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट बोलते अगर वो दे कम विद अ पॉजिटिव आइडिया तो उनको पॉजिटिव री देना इंक्रेज करना सो इट कैन बी यूज फॉर द रिविजन एंड डायग्नोस्टिक परपज़ सो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है लेसन प्लानिंग के कि आप परपजफुल टास्क डिज़ाइन करें एंड स्टूडेंट्स जो है कोपरेटिव uh, वे में ग्रुप में वर्क करें विद देयर ऑन पेस, क्लियर इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शंस को आप वेरी क्लियर वे में उनको समझा दें दे दें एंड देन अलाउ फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स यस yes, मिस्टेक्स को आप जो है एज अ पॉजिटिव सेंस में कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करें बिकॉज मिस्टेक्स आर ऑलवेज़ वेलकम एंड यू मस्ट लर्न फ्रॉम इट क्रेक्शन करवा दें एंड टीचर एज अ मोनिटर के तौर पर काम करेगा का, एडवाइज़र के तौर पर या इंक्रेजर या कंसल्टेंट के तौर पर बिकॉज ये रोल्स ऑफ टीचर है डिफरेंट रोल्स वो अलग से टॉपिक में भी हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ टीचर सो फिर डिफरेंट क्रिएटिव वे में आप उनको लेसन डिलीवर आ सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू गेम्स के थ्रू रोल प्लेइंग के थ्रू और डिस्कशंस के डिबेट के और बहुत सारे एक्टिविटीज़ के थ्रू आप करवा सकते हैं रोल प्ले की एक एग्ज़ाम्पल दी गई है कि स्टूडेंट्स को जो है डिफरेंट आप रोल दे देंगे इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स ठीक है और वो उस रोल को प्ले करे बाई स्वेपिंग देयर रोल्स एज वेल सो इन दिस वे वो एक दूसरे के साथ उनकी कोऑपरेशन भी होगी और उनकी स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी सो so हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं इसमें वर्बलाइजेशन ऑटोमाइजेशन और ऑटोनी वर्बलाइजेशन में टीचर डिस्क्राइब करता है वर्बली डिमोस्ट्रेट करता है द स्किल बिहेवियर टू बी लर्न और फिर ऑटोमाइजेशन में टीचर सजेस्ट करेगा कुछ एक्सरसाइजिस को कुछ टास्क लर्नर्स जो प्रैक्टिस करेंगे टू तो इंप्रूव और टू तो अचीव द गोल फिर अटोनमी में जो है स्टूडेंट्स लर्नर खुद दे कम अप विद समथिंग दे कंटिन्यू टू यूज देयर स्किल ऑन देयर ओन एंड बिकम मोर प्रोफिशिएंट एंड क्रिएटिव अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए कुछ दे कम अप विद समथिंग न्यू सो दिस आर अबाउट दिस टॉपिक इसके ऊपर मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सिंपल लेसन प्लान्स भी दिखाऊंगा कि किस तरह बनाते हैं सो दिस इज़ ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग